हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृजन वर्मा है। मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 में 39th रैंक हासिल की है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। इलेक्ट्रिकल लेने का रीज़न ये था कि मेरा ग्रेजुएशन जो था 2017 में आईआईटी आईएसएम धनबाद से था, और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही था, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मुझे पसंद भी थी, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल ऑप्शन लिया। सिविल सर्विस 2019 मेरा पहला अटेम्प्ट था, जो कि जस्ट 2 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन के साथ मैंने दिया था टू गेट इनसाइट, देखने के लिए कि पेपर कैसा होता है। उसके बाद 2020 अटेम्प्ट था, वो मेरा पहला डिसेंट अटेम्प्ट था, जिसमें मेरी 39th रैंक आई। सिविल सर्विस एग्जाम का दिमाग में मेरे कॉलेज टाइम से ही था, लेकिन मैंने बहुत स्ट्रेटेजाइज करके इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। मुझे पता था कि ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है, और शायद डायरेक्ट फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट के लिए मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने पहले अपने बैकअप प्लान्स लिए। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को थोड़ा सा वे किया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरे लिए ऑप्शनल, एज एन ऑप्शनल कितना बेनिफिशियल हो सकता है। और जब मैंने ये चीज़ एनालाइज करी कि इलेक्ट्रिकल में एक बार आपकी अगर स्ट्रेंथ अच्छी है, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल अच्छा है, तो आपके पास बैकअप प्लान्स बहुत हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल गेट इंजीनियरिंग सर्विस, एंड दैट इज वॉट द एग्जैक्ट रूट दैट आई टुक। मैंने पहले इंजीनियरिंग सर्विस क्वालिफाई किया 2018 में, उसमें मुझे डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे अलॉट हुआ IRSEE सर्विस, उससे मुझे 1 साल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मिली, एंड देन आई प्रिपेयर्ड फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन दैट लीव ड्यूरेशन। ओप्स, इस रुकावट के लिए सॉरी, पर आपकी यूपीएससी की तैयारी में कोई बाधा ना आए, चाहे वो रिसोर्सेज की हो या सही गाइडेंस की। इसके लिए पिछले 5 साल से स्लीपी क्लासेस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। यूपीएससी कोचिंग में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि ओल्डेस्ट इज द बेस्ट या महंगा सबसे बेहतर है, और हमारी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इस बात की गवाह हैं। तो आइए अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कीजिए हमारे साथ, जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पे और एनरोल कीजिए यूपीएससी 2022 और 23 के कोर्सेज के लिए हमारी ऐप पर। धन्यवाद। और इवेंचुअली फिर उसका जो प्रॉपर नेक्स्ट अटेम्प्ट था 2020 वाला, वो मैंने अपीयर किया। उसका कुछ पोर्शन मेरे लीव के साथ कोइंसाइड कर रहा था, कुछ सर्विस के साथ भी कोइंसाइड कर रहा था, तो दोनों चीजें मैनेज कर ली मैंने किसी तरीके से, एंड इवेंचुअली सिविल सर्विस 2020 में मेरी 39th रैंक आई। 2020 मेरा पहला डिसेंट अटेम्प्ट था, जैसे कि मैंने बताया। इस पहले डिसेंट अटेम्प्ट में ही मुझे 39th रैंक मिली, सिविल सर्विस से मुझे IAS सर्विस अलॉट हुई। उसके पीछे काफी सारी चीजें थी जो एज अ टॉपर स्टॉक में मैं बता नहीं पाता हूँ, ठीक है। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि कहने को तो ये मेरा पहला डिसेंट अटेम्प्ट था, बट देयर वर पीपल हु वर बिहाइंड मी जो मुझे गाइड कर रहे थे, जिनकी बहुत बहुत टाइम का एक्सपीरियंस था, और उस पूरे क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस को अगर देखा जाए तो मेरे पास शायद 7-8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस था। मेरे एक कॉलेज सीनियर थे अपूर्व दीक्षित सर, उनके उनका खुद का जो 3 साल के एक्सपीरियंस थे 3 मेंस का, वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था। नेक्स्ट IAS के एक राहुल सेंगर सर थे, उनका जो गाइडेंस था मेरे पास। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे ये एग्जैक्टली पता था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एस्पिरेंट के लिए, खासकर अगर आप पहला मेंस दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्विस 2020 मेरा पहला मेंस था, तो मुझे टेस्ट सीरीज भी देनी थी, मुझे ये भी देखना था कि टेस्ट सीरीज में मार्क्स कैसे ज्यादा स्कोर किए जा सकते हैं, ऑप्शनल और GS को बैलेंस कैसे करना है, और ऐसे वगैरह कैसे लिखने हैं, बिकॉज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में हमारी लिखने की प्रैक्टिस छूट जाती है, तो हमें नहीं पता होता कि GS के आंसर्स की स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है या ऐसे अच्छे कैसे लिखने हैं। वहां पे अपूर सर और राहुल सर के जो एक्सपीरियंस है वो मेरे बहुत काम आए, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं बोलूंगा कि मुझे इतने अच्छे एसेज और इतने अच्छे तरीके से आंसर्स लिखने के मेरे मेरे हिसाब से अच्छे, वो हर किसी के पर्सपेक्टिव से अच्छे की डेफिनेशन चेंज होती है, तो मैंने अपने हिसाब से अच्छे एसेज लिखे, वो बहुत बड़ा रीजन था कि ये लोग थे मेरे पास। तो ये एक चीज है जो मैं बोलूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट डिसेंट अटेम्प्ट मेरा था, बट एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों का था इसमें। DKT UPSC CSE, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSE चैनल। यहां आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। एक फ्रेश कैंडिडेट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जब मैं 2019 में प्रिपेयर करने आया था, 2019 मार्च में मैंने स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, तो मैं भी ब्लैंक था, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है कैसे करना है।
इवेंचुअली मेरा एक फ्रेंड था जय शिवानी, हु गॉट सेलेक्टेड इन 2018 पेपर, मेरे जस्ट स्टार्ट करने, प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद ही. तो मैं उसके उससे मिला, मैंने उससे पूछा, तो उसने मुझे बेसिक बुक लिस्ट बताई एंड आई स्टार्टेड विद दैट प्रिपरेशन. सेम चीज मैं बोलूंगा कि अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन के पास जाओ, उससे आप पूछो कि क्या चीज कहाँ से स्टार्ट करनी है. आज के टाइम पे YouTube वगैरह पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे बहुत सारे, जहाँ पे लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है स्ट्रैटेजी बाय स्ट्रैटेजी कि कैसे स्टार्ट करना है. तो अगर आपके पास इमीडिएट विसिनिटी में कोई नहीं है, आपके जस्ट अप्रोच में कोई नहीं है, तो आप वहां से भी गाइडेंस ले सकते हो. बट मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपको पर्सनल कोई ऐसा मिलता है जो आपको गाइड कर सके, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल. फॉर एग्जाम्पल, मेरे जो अपूर्व दीक्षित सर थे, आज भी मेरी अगर आप जीएस की बुक्स उठा करके देखोगे तो उसमें टॉपिक स्टिक है कि ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है. मतलब चैप्टर बाय चैप्टर उन्होंने मेरे बुक में टिक कर रखा है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. बिकॉज ही रियलाइज कि 2019 में जब मैं आया हूँ, मेरे पास एक साल की लीव थी रेलवे से, मुझे उस एक साल में ही प्रिपेयर करना था. तो ही रियलाइज कि उस एक साल में मेरे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है और उसको कैसे फिट करना है, तो उन्होंने वो चीज मेरे लिए ट्रिम करके मुझे दी. अगर ये चीज आपके लिए कोई कर सकता है, अगर आप फ्रेशर हो, जस्ट कॉलेज में हो, तो आपको शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पूरा टाइम है प्रिपेयर करने का. आप सब चीज पढ़ सकते हो, बहुत इनडेप्थ नॉलेज ले सकते हो और फिर अटेम्प्ट कर सकते हो. बट अगर आप वर्किंग प्रोफाइल में हो या मेरी तरह एक साल की लीव पे प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा. और स्ट्रैटेजाइज हम खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस खुद बहुत कम है. उस टाइम पे जो एक्सपीरियंस लोग हैं, यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो टीचर्स होते हैं, या आपके जो सीनियर्स होते हैं, या आपके जो कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्हें इनकी इन्फॉर्मेशन है, वो आपके बहुत काम आ सकते हैं. तो मैं एडवाइस करूंगा कि ऐसा आप एक फ्रेंड सर्कल जरूर रखें, या एक दो लोग ऐसे आप जरूर अपने पास रखें जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकें. बुकलिस्ट की जब बात आती है, तो मेरी बुकलिस्ट बहुत सिंपल सी थी, वही एनसीईआरटीज और लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, जो हर टॉपर आपको रिकमेंड करता है, वो थी. एक चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि टॉपिक्स लाइक इकोनॉमिक सर्वे या योजना कुरुक्षेत्र, जो लोग बोलते हैं कि पढ़नी चाहिए, डेफिनेटली पढ़नी चाहिए. बट मैंने बताया कि मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं था, मुझे एक साल में ही सब कुछ मैनेज करना था, जीएस कंप्लीट करना था, ऑप्शनल रिवाइज करना था और टेस्ट सीरीज भी था. तो कुरुक्षेत्र योजना और ये इकोनॉमिक सर्वे, ये सब मैंने नहीं पढ़े थे. उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि मेरे ऑप्शनल में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी. मेरे ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था और मेरी स्ट्रेंथ भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी. मुझे जीएस में, मेरा जो पहले से ही स्ट्रेटेजी थी कि मुझे जीएस में एक एवरेज मार्क्स लाने हैं और ऑप्शनल में जितना ज्यादा मैं स्कोर कर सकता हूँ उतना करना है. तो इवेंचुअली अगर मेरी मार्क्सशीट देखी जाए तो दैट डिड वर्क इन माई फेवर. इलेक्ट्रिकल में मेरे काफी अच्छे मार्क्स हैं, जीएस में मेरे एवरेज मार्क्स ही हैं. अगर मैंने योजना कुरुक्षेत्र या इकोनॉमिक सर्वे सब पढ़ा होता, हो सकता है मेरे जीएस पेपर 3 में या ऐसे वगैरह में थोड़े से और अच्छे मार्क्स होते. बट देन अगेन मुझे पता है कि अगर मैं वो चीज करता तो मेरा ऑप्शनल कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता, इसलिए मैंने वो नहीं किया. तो आई सजेस्ट कि अगर आपके पास टाइम कम है और आपका ऑप्शनल ऐसा है कि उसमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो. लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आपका ऑप्शनल ऐसा है जिसमें इसकी जरूरत पड़ती है, तो आपको डेफिनेटली इसको पढ़ना चाहिए और स्किप नहीं करना चाहिए. बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके लिए डेडिकेटेड बुक्स हैं, बहुत अच्छे ऑथर्स की बुक्स हैं जो आप रिफर कर सकते हो. बट पर्सनली स्पीकिंग, मैंने बहुत सारी चीजों की बुक्स नहीं रेफर करी. फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी हो गई, सोसाइटी के पास एनसीईआरटीज मैंने पढ़ी थी, उसके बाद आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, साइंस एंड टेक हो गया. तो इनके लिए मैंने कोई बुक्स रेफर नहीं करी थी एज सच. बीइंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, साइंस के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता था और चीजें मुझे नेचुरली समझ में आती थी जो चीज मैं पढ़ता था. जो नहीं भी आती थी उसके लिए यूट्यूब के आपके पास सोर्स है. YouTube पे आप गूगल करके, मतलब जैसे भी आप करना चाहो, आप उन चीजों को समझ सकते हो, बहुत एफर्ट नहीं लगेगा. दूसरी चीज, बीइंग फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, मैं बस ये सजेस्ट करूंगा कि राइटिंग प्रैक्टिस हमें नहीं होती है. और हम क्या सोचते हैं कि हम पढ़ लेंगे उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, विच इज ट्रू टू सम एक्सटेंट. बट आप ये सोचो कि आप प्रैक्टिकली 100% ऑफ दी चीजें कभी नहीं पढ़ सकते हो. इवन वन डे बिफोर एग्जाम अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप 100% चीजें नहीं कवर कर पाएंगे. ठीक है, तो इस चीज को माइंड में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास एक बेसिक नॉलेज है, अगर आपने एक बार या दो बार उस सब्जेक्ट को रीड किया हुआ है, तो आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए. आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस यू आर एबल टू स्ट्रक्चर योर आंसर एंड प्रेजेंट योर इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज आपने पढ़ी है वो किसी यूज में नहीं आएगी आपके. तो टेक्निकल बैकग्राउंड या फॉर दैट मैटर किसी भी बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए आंसर राइटिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट.
और रिसोर्स, रिसोर्स की मैं बात करूंगा कि देर आर मल्टीपल रिसोर्सेज फॉर वन सिंगल सब्जेक्ट। क्वालिटी में भी अगर आप जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, आपको कोचिंग के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको कोचिंग की बुकलेट्स मिलेंगी जो वो पब्लिश करते हैं, लक्ष्मीकांत है, एनसीईआरटीज है, बहुत सारी रिसोर्सेज आपको मिलेंगी। लिमिट योर रिसोर्सेज, मेरा बस ये कहना है कि आप लिमिट करो, जहां से भी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो रादर देन रीडिंग द सेम सब्जेक्ट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। सो दैट विल हेल्प अ लॉट इन गेटिंग द कॉन्फिडेंस ओवर अ सब्जेक्ट। मैं टाइमलाइन आपको बताना चाहूंगा, पहले मैं अपनी टाइमलाइन बताता हूँ और फिर मैं उसको मॉडिफाई करके बोल सकता हूँ कि कैसे आप उसको अपने हिसाब से अडाप्ट कर सकते हैं। तो आई स्टार्टेड प्रिपरेशन इन 2019 मार्च ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर 2019 मार्च से पहला जो अटेम्प्ट था दैट वाज अर्ली इन जून 2019। तो मुझे पहले से क्लियर था कि इतना लेट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इवन इफ इन द बेस्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस मेरा प्री निकल जाता है, बहुत हाईली प्रोबेबल था कि मेरा मेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत बहुत छोटा स्पैन था वो प्रिपरेशन करने के लिए और ऑप्शनल से भी मैं काफी टाइम से आउट ऑफ टच था, तो शायद मैं ऑप्शनल में भी उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। तो ये एक चीज थी, तो लेकिन मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि मैं जो 2019 जून वाला प्रीलिम्स होगा वो मैं दूंगा, नॉट बिकॉज कि मुझे सेलेक्ट होना है इसी अटेम्प्ट में, बट कि देखते हैं पेपर कैसा आता है। और दो तीन महीने अगर मैं वो डेडलाइन अपने दिमाग में नहीं रखता कि मुझे 2019 वाला प्रीलिम्स देना है, तो मैं थोड़ा सा लेजी हो जाता, हो सकता है जो चीज मैं नेक्स्ट दो तीन महीने में पढ़ सकता था उसको पढ़ने के लिए मुझे 4-5 महीने लग जाते क्योंकि मेरे पास कोई डेडलाइन तो होती नहीं। तो ये भी एक चीज थी जिसमें मैंने सोच रखा था कि 2019 वाला प्री क्यों देना है। तो बाय द टाइम प्रीलिम्स पेपर हुआ, मैंने पूरा का पूरा जो स्टैटिक बुक्स होती हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटीज, इवन एटलस, फिर एक साल की जो करंट अफेयर्स की बुकलेट होती हैं, वो सब एक बार पढ़ लिया था। तो इन दोस 3 मंथ्स एक बार पढ़ने में कुछ ज्यादा याद नहीं रहता, बट एटलीस्ट आई हैड अ कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने एक बार पढ़ लिया है। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में 52 मार्क्स आए थे जीएस पेपर में, 52 मार्क्स बहुत कम थे, मतलब हाफ वे ऑफ द कट ऑफ था। मैं ये भी नहीं बोल सकता था कि 2-4 सवाल सही हो जाते तो मैं क्वालिफाई कर जाता, क्योंकि एक रीडिंग में आप इससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बट आई वॉज ओके। मुझे लगा कि चलो ठीक है, अगर एक रीडिंग में मैं 52 तक आ सकता हूँ तो नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा सा प्रीलिम्स को एक्स्ट्रा टाइम देकर इसको आई कैन क्वालिफाई। बट प्रीलिम्स जब मेरा हो गया तो अब मेरे पास आगे कोई डेडलाइन नहीं थी, अब अगला प्रीलिम्स एक साल बाद था, तो उस एक साल में मैं क्या करता, इसलिए मैंने सोचा कि अब जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे दे विल बी राइटिंग मेंस इन सितंबर, सो आई हैव द डेडलाइन ऑफ सितंबर कि मुझे सितंबर तक आंसर राइटिंग खत्म करनी। नॉलेज नहीं है मेरे पास, नॉलेज नेक्स्ट टू जीरो है, बट स्टिल आई राइट द आंसर्स जस्ट टू सी कि 3 घंटे में कितना मैं लिख पा रहा हूँ, जितना मुझे आता है मैं उतना लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ, और कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते। तो फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स मैंने अपनी जीएस की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी, जीएस की बुक्स पढ़ता था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एथिक्स सब पढ़ता था, बहुत सारे टॉपिक्स थे जो प्री में नहीं थे जिनको भी मुझे मेंस के लिए पढ़ना था, तो उन 3 महीने में मैंने बहुत टॉपिक्स भी पढ़े ताकि पूरा एक बार एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का मुझे ओवरव्यू हो जाए कि क्या चीज क्या पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। तो वो 3 महीने मैंने पढ़े, 3 महीने में मैंने नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, वो 12 टेस्ट की टेस्ट सीरीज थी, मैंने पूरे 12 टेस्ट लिखे उसके, और इसके साथ मैंने 5 ऐसे के टेस्ट भी ज्वाइन किए थे, मैंने वो 5 ऐसे के भी टेस्ट लिखे। नंबर नहीं आते थे मेरे, एवरेज मार्क्स उस टेस्ट सीरीज में मेरे 40-50-60 इसी में रहते थे इन दी स्टार्टिंग, बट जब फुल टेस्ट आए एंड तक मैं पहुंचा तो वो ये नंबर इंक्रीज करके 80s तक पहुंचने लग गए थे। तो आई वॉज वेरी श्योर कि चलो अगर 5-6 महीने की एफर्ट में मैं 80s तक भी इस टेस्ट सीरीज में स्कोर कर पा रहा हूँ, तो अभी मेरे पास एक साल और है, अगला मेंस जब मैं दूंगा तो आई कैन इम्प्रूव इट फ्रॉम 80 to 100 एटलीस्ट। तो वो मेरे लिए एक रिलीफ था। एंड सबसे बड़ी बात, वो जो बैरियर होती है लिखने की, वो जो इनर्शिया होता है कि हम नहीं लिखते हैं, वो टूट चुका था। तो अब मुझे पता था कि अब मुझे कभी भी बोला जाए कि आंसर लिखो तो मैं लिख सकता हूँ उसको, मेरे पास हेजिटेशन नहीं होगी, ठीक है बिलो एवरेज नॉलेज के साथ लिखूंगा बट लिख लूंगा। तो वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था मेरे पास। तो जब सितंबर आया, सितंबर एंड हुआ, तो मेरा आंसर राइटिंग खत्म हो चुकी थी, एसए के राइटिंग का एक्सपीरियंस हो चुका था, जीएस के जो सब्जेक्ट थे मोर और लेस वो 1-2 बार हो चुके थे, एक बार प्रीलिम्स के लिए और एक बार मेंस के लिए, तो वो 2 बार हो चुके थे। अब मुझे अपना ऑप्शनल रिवाइज करना था, क्योंकि ऑप्शनल मेरे लिए स्ट्रेंथ थी, तो मुझे पता था कि मुझे ऑप्शनल पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम डेडिकेट करना है। एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा, मेरा ऑप्शनल इस पॉइंट पे स्टार्ट नहीं हो रहा था, मेरा ऑप्शनल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था मेरे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में आने के पहले। ये चीज मतलब बहुत विजिबल नहीं होगी, इसलिए मैं इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। सिविल सर्विस के
पहले इंजीनियरिंग सर्विस में जब मैंने इलेक्ट्रिकल से पेपर दिया था तो उसमें मेंस में आउट ऑफ 600 मेरे 420 प्लस मार्क्स थे, विच इज रफली 70%। तो मुझे अपने ऑप्शनल पे बहुत कॉन्फिडेंस था कि हाँ, अगर उस एग्जाम में मैं 70% स्कोर कर सकता हूँ तो यहाँ पे भी मैं अबव एवरेज परफॉर्म कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट अपने ऑप्शनल को स्टार्ट किया, और इसके पहले के टाइम पूरा जीएस के लिए दे रखा था, मैंने ऑप्शनल इस बीच में देखा भी नहीं था। ऑप्शनल मैंने अपना अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने इन्वेस्ट किए और मैंने ऑप्शनल पूरा पढ़ा। मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि फ्रॉम 1st of January आई विल गो बैक टू द प्रीलिम्स मोड। पिछली बार प्रीलिम्स मेरा अच्छे खासे मार्जिन से छूटा था, तो आई डिड नॉट वॉन्ट कि इस बार मेरा प्रीलिम्स फिर से छूट जाए। बिकॉज अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो आप कितनी भी आंसर राइटिंग कर लो, आप कितना भी अपना ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग कर लो, इट डजेंट मैटर, आपको लिखने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो मैंने प्रीलिम्स के लिए सोचा था कि मैं स्पेशली 4-5 months अलग से डेडिकेट करूंगा प्रीलिम्स के लिए, एंड आई विल मेक श्योर कि प्रीलिम्स मेरा हर कॉस्ट पे निकले, उसके बाद फिर से मैं आंसर राइटिंग या जीएस या ऑप्शनल फिर से कवर कर लूंगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, और मैंने इसमें ये भी सोच रखा था कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट दूंगा, एटलीस्ट 60-70 टेस्ट फॉर प्रीलिम्स आई विल डू, क्योंकि मुझे लोगों ने बता रखा था कि प्रीलिम्स इंफॉर्मेशन या नॉलेज का एग्जाम नहीं है, दैट इज बेस्ड ऑन हाउ काम एंड कंपोज एंड हाउ लॉजिकली यू कैन एलिमिनेट द आंसर्स ऑप्शंस टू रीच एट द करेक्ट आंसर। तो वो चीज प्रैक्टिस से डेवलप होती है, वो कभी भी आपके मल्टीपल रीडिंग से नहीं डेवलप होगी। मल्टीपल रीडिंग हाँ जरूरी है, बट अगर उसको आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है उन चीजों की, तो आप उसको एग्जाम में रेप्लीकेट नहीं कर पाओगे। तो ये एक चीज थी। तो फिर मैंने 1st of January से स्टार्ट करी, बट कोविड आ गया बीच में, तो जो पूरी मेरी टाइमलाइन बनी हुई थी वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई। कोविड बहुत मतलब पैंडेमिक की बहुत नुकसान हुआ, बट अगर मेरी प्रिपरेशन वाइज देखा जाए तो मेरे लिए वो थोड़ी सी फेवरेबल भी रही, बिकॉज आई गॉट सम एक्स्ट्रा टाइम। मेरे जैसे जनवरी फरवरी मार्च मिड मार्च तक मैंने अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट रखी, उसके बाद कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया, तो सबको पता चल गया था कि प्रीलिम्स के पेपर जो है पोस्टपोन होने वाले हैं। तो मैंने थोड़ा सा जो एथिक्स वगैरह सब्जेक्ट थे जो काफी टाइम हो गया था पढ़े हुए, मैंने उन्हें रिवाइज किया 1 महीने में, अप्रैल एंड तक मैंने उसको किया। देन मई एंड जून आई डेडिकेटेड फॉर माय ऑप्शनल, पूरा मैंने ऑप्शनल मई और जून में पढ़ा, जितना भी मैं कर सकता था, जितनी भी जहां से प्रैक्टिस कर सकता था वो किया। देन जुलाई ऑनवर्ड्स मैं फिर से प्रीलिम्स के मोड पर चला गया था, क्योंकि मुझे पता था कि अब ठीक है, अब बहुत होगा तो सितंबर तक पेपर हो जाएगा, तो मुझे भी उधर 2-3 महीने चाहिए थे प्रीलिम्स के लिए। तो मैं जुलाई ऑनवर्ड वापस प्रीलिम्स मोड पे चला गया। अक्टूबर में डेट आई, अक्टूबर की डेट थी प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। उसके बाद जनवरी में मेंस था, तो वो 3 महीने मुझे मिले, उसमें मैंने ऑप्शनल और जीएस फिर से साथ में किया, आंसर राइटिंग किया, दोनों की टेस्ट सीरीज किया, एसए की टेस्ट सीरीज किया। बीच में मुझे रेलवे में मेरी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव थी वो खत्म हो गई, तो मुझे जाना पड़ा। मैं दिसंबर में मैंने रेलवे ज्वाइन किया, सो विद ऑलमोस्ट 20-25 डेज मैं वहां पे सर्विस के साथ मैंने प्रिपरेशन करी, वहां पे भी आंसर राइटिंग वगैरह करता था सर्विस के साथ। लीव लेकर के आया मेंस देने के लिए, एंड देन फिर वापस मैं चला गया उसको ज्वाइन करने के लिए रेलवे। तो आई कंटिन्यूड फ्रॉम इन रेलवे फ्रॉम दैट टाइम। अब इस चीज को अगर मैं बात करूं कि आप अपने हिसाब से कैसे मिक्स कर सकते हो, तो पहली चीज तो आप ये हमेशा ध्यान रखना कि प्रीलिम्स सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। अगर प्रीलिम्स का हर्डल नहीं क्रॉस हो रहा है तो आपके ऑप्शनल और मेंस कितना स्ट्रांग है कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो प्रीलिम्स के लिए आप डेडिकेटेड मंथ्स निकाल लेना प्री के पहले, एंड टेस्ट सीरीज जितनी हो पाए उतनी प्रैक्टिस करना, मैं तो ये बोलूंगा। एटलीस्ट दो कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज कंप्लीट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उसको करो ही करो। उसके अलावा अगर आपके पास और टाइम है तो आप कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब रही बात जीएस कब पढ़ना है और ऑप्शनल कब पढ़ना है, तो एडवाइजेबल होगा कि आप जीएस और ऑप्शनल दोनों साथ में लेके चलो। मेरे केस में मेरा ऑप्शनल इतना स्ट्रांग था कि मुझे पता था कि मैं 2 महीने में उसको फिर से रिवाइज करके वापस उसी लेवल पे लेकर के आ सकता हूँ, इसलिए मैं बीच में 2-3 महीने के लिए अपना ऑप्शनल पूरा ड्रॉप कर देता था और सिर्फ जीएस पढ़ता था। बट अगर आपका वो कमांड नहीं है ऑप्शनल पे, और अगर आपने 2 महीने के लिए अपना ऑप्शनल छोड़ दिया, तो द नेक्स्ट टाइम यू विल बी स्टार्टिंग विद योर ऑप्शनल, आप फ्रॉम दी स्क्रैच पढ़ रहे होगे, और वो बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट कर देगा। तो इसलिए ट्राई टू बैलेंस ऑप्शनल और जीएस साथ में। दिन में आप डिवाइड कर लो 60% टाइम फॉर जीएस, 40% टाइम फॉर दी ऑप्शनल, क्योंकि 60% मैं इसलिए जीएस को ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, ये सब चीजें भी आपको पढ़नी होती हैं, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। और ऑप्शनल के लिए 40% आपने दिया है, तो आप उसमें
या तो कुछ नया पढ़ना है तो नया पढ़ लो, रिवाइज करना है रिवाइज कर लो, टेस्ट देना है टेस्ट दे लो, इस तरीके से आप करो. बट ट्राई अवॉइडिंग दैट मंथली मंथली पैटर्न जो मैंने किया था, अनटिल एंडलेस आपका बहुत ज्यादा कमांड आपके ऑप्शन के ऊपर. एक इशू टेस्ट सीरीज से रिलेटेड लोगों का ये भी होता है कि जैसे बहुत स्मॉल टाउन में हम लोग रहते हैं तो वहां पे टेस्ट सीरीज के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं, या आप ऑफलाइन सेंटर्स पे जाकर के टेस्ट नहीं लिख सकते हो. बट इंटरनेट रीच की वजह से आज आप हर चीज ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो. तो इनकेस आप ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके नहीं भी लिख पा रहे हो तो आप उसको लिख करके अपलोड कर सकते हो, वहां से इवैल्यूएटेड कॉपी आ जाएगी. हाँ, इवैल्यूएटेड कॉपी में एक इश्यू होता है कि कई बार जब पीक टाइम होता है तो कोचिंग इंडस्ट्रीज आर वेरी बिजी, वहां पे बहुत सारे लोग टेस्ट लिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की कॉपी चेक हो रही होती है, और उनकी भी एक कैपेसिटी कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वजह से वो इमीडिएटली आपको आपकी कॉपी पे फीडबैक नहीं दे सकते. एज एन एस्पिरेंट वो मुझे भी बहुत इश्यू फेस होता था कि मैंने आज टेस्ट लिखा तो मुझे रिव्यू अगले टेस्ट के पहले चाहिए. अगर वो रिव्यू अगले टेस्ट के बाद आ रहा है तो तब तक तो मैं भूल चुका हूँ कि मैंने पिछले टेस्ट में क्या लिखा था, वो रिव्यू मेरे लिए उतना मैटर भी नहीं करता. तो ये एक इशू एज एन एस्पिरेंट मैं फेस करता था. बट फॉर्चुनेटली मेरे पास अपूर सर थे, राहुल सर थे, तो दीज वर टू पीपल जिनके साथ मैं आंसर लिखता था तो मैं तुरंत ही वो कर लेता था कि सर एक दो आंसर आप देख लो, एक दो आंसर में क्या फीडबैक हो सकता है वो मुझे बता दो, ताकि मैं ये समझ जाऊँ कि मुझे अगली बार के लिए क्या चीज इंप्रूव करना है. उसके बाद जब बाद में इवेल्युएटेड कॉपी आएगी तो जो भी मुझे जितना भी ध्यान रहेगा मैं उसके हिसाब से उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, मतलब उस चीज को देख करके उसको अकोमोडेट कर लूंगा. तो ये एक चीज थी जो मैं करता था, और यहाँ पे भी उन लोगों की गाइडेंस काफी मेरे लिए हेल्पफुल थी. फिर यही चीज मैं आपको बोलूंगा कि इन केस आपके पास आपका कोई फ्रेंड है जो इस साइकिल में है या इस साइकिल में नहीं भी है बट इस साइकिल की इंफॉर्मेशन रखता है, तो आप उसको अप्रोच कर सकते हो. अपलोड करते टाइम आप एक कॉपी कोचिंग के लिए अपलोड कर दो, एक कॉपी आप उसे सोशल मीडिया पे शेयर कर दो, एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम कि वो पूरी कॉपी देखे तो आप उसे बस इतना बोल दो कि आप एक दो आंसर्स, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी देर के लिए अवेलेबल हो, बस एक दो आंसर पे भी अगर आपने फीडबैक दे दिया तो मेरे लिए वो काफी यूजफुल हो जाएगा. तो दिस कैन बी योर अप्रोच. बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अगर आप ऑफ पीक टाइम पे टेस्ट सीरीज लिख रहे हो तो उसमें आपको ये इशू नहीं फेस होगा, वहां पे वो काफी इमीडिएटली आपको कॉपीज आपकी मिल जाएंगी तो आप उससे इवेल्युएटेड फीडबैक ले सकते हो. बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आईएस बाबा हो गई, इनसाइट्स हो गई, और भी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको डेली क्वेश्चंस देती हैं कि आप इन क्वेश्चंस को प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए आप प्रैक्टिस कर लो. पर्सनली मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास उतना टाइम था नहीं, मुझे एक साल में ही सब कुछ मैनेज करना था, और जब आप एक साल में सब कुछ मैनेज कर रहे होते हो तो आपके पास पर डे जो चीजें होती हैं पढ़ने के लिए वो काफी ज्यादा होती हैं. तो वहां पे मेरे लिए टाइम निकाल पाना कि मैं डेली आंसर राइटिंग करूं, कि रोज मैं बैठ करके आधे घंटे आंसर राइटिंग कर रहा हूं, आधे घंटे प्रीलिम्स के सवाल प्रैक्टिस कर रहा हूं, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं होता था मेरे लिए. इसलिए मेरा संडेज जो होते थे वो टोटली डेडिकेटेड होते थे टेस्ट के लिए. तो जैसे मैंने बताया था कि मैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर इलेक्ट्रिकल पढ़ रहा था, तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल पढ़ रहा हूं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के हर संडे मैं इलेक्ट्रिकल के टेस्ट दे रहा था. फिर जनवरी फरवरी मार्च ऑनवर्ड जब मैंने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मैंने हर संडे तो वो प्रीलिम्स के टेस्ट मेरी प्रैक्टिस हो रही थी. इवन जब एग्जाम के बहुत क्लोज आ गया था तो रोज के एक टेस्ट हो गए थे प्रीलिम्स के, कि मंडे टू फ्राइडे रोज टेस्ट दे रहे हैं, सैटरडे उन मंडे टू फ्राइडे वाले टेस्ट को रिवाइज कर रहे हैं, और संडे जो भी चीज नई पढ़नी है वो नया पढ़ रहे हैं. तो इस तरीके से उसको स्ट्रेटजाइज करता था. जब जून जुलाई अगस्त वाला टाइम था, सेप्टेम्बर वाला, जब मैंने इसकी टेस्ट सीरीज मेंस की टेस्ट सीरीज कर रहा था तो भी मेरा हर संडे या तो मैं जीएस का टेस्ट लिखता था या एसए का टेस्ट लिखता था. तो टेस्ट मेरे लिए काफी वो ऐसे थे कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस या प्रीलिम्स की प्रैक्टिस होती थी मैं संडेज को ही करता था एंड नॉट डेली, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम निकाल पाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है. बट अगर आपके पास टाइम है आप उस चीज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो तो कोई भी प्रैक्टिस वेस्ट नहीं जाती. इट विल ऑलवेज बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू. आप किसी एक कोचिंग से कर लो या दूसरे कोचिंग से कर लो फर्क नहीं पड़ता, until unless you are honestly doing that. Current affairs की बात अगर हम लोग करें तो जब मैं नया नया प्रिपरेशन करने आया था 2019 मार्च में, मैं अपने कॉलेज सीनियर और मेरे फ्रेंड जो जय था उसके साथ रहता था. उन लोगों ने मुझसे बोला था कि न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, बट मैंने बहुत जेन्युइनली उन्हें बताया कि सर मैंने कोशिश करी पढ़ने की बट मुझे क्योंकि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मुझे आधी चीजें समझ में नहीं आती, और मैं जो चीज मैं एक घंटे में पढ़ सकता हूँ उसके लिए मुझे 2-3 घंटे लग रहे हैं, और ऑलरेडी मार्च में स्टार्ट कर रहा हूँ, जून में पहला प्रीलिम्स देना है, तो मैं इतना टाइम अगर इसी को दूंगा तो मेरे तो स्टैटिक बुक्स भी नहीं कंप्लीट होंगी. तो दे सजेस्टेड मी एन आइडिया कि ठीक है तुम पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो, मुझे भी पता है कि तुम्हारे पास बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं है,
और तुम्हें इश्यू फेस होगा इस चीज का, तो डू वन थिंग, यूट्यूब पे बहुत सारी न्यूज़पेपर की एनालिसिस आती है, अगर तुम्हें वो चीज पेपर पढ़ने में टाइम लग रहा है तो तुम यूट्यूब की वीडियो सुन लो, आधे घंटे 45 मिनट्स की वो वीडियोस होती हैं, एंड इन 45 मिनट्स दे एक्सप्लेन विद द बैकग्राउंड एज वेल, तो बहुत सारी चीजें जो अभी अभी आज के पेपर में आई होंगी वो उसका पीछे का डेवलपमेंट भी तुम्हें पता चल जाएगा, तो इवेंचुअली बाय द टाइम कि तुम प्रीलिम्स दे रहे होगे 2-3 महीने में तुम्हारी अच्छी खासी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी जिसके बेसिस पे तुम न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो दिस वाज द स्ट्रेटजी दैट आई यूज्ड, प्रीलिम्स के बहुत पास था तो उतना टाइम मैंने इन्वेस्ट नहीं किया न्यूज़पेपर में, टाइम नहीं रहता था, वीडियो सुनता था, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेता था, जून आते आते मेरे पास ऑलरेडी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि न्यूज़पेपर में किस टाइप के न्यूज़ को पढ़ना है, किस न्यूज़ को कितना डेप्थ में फॉलो करना है, और जो पीछे की बैकग्राउंड है जिसके बेसिस पे आगे की इन्फॉर्मेशन मुझे समझ में आएगी, तो उतना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो गई थी। जून ऑनवर्ड मेरा एक फिक्स शेड्यूल रहता था कि सुबह के फर्स्ट 2 आवर्स होते थे वो मेरे लिए डेडिकेटेड न्यूज़पेपर स्लॉट्स होते थे, उसमें मैं मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 न्यूज़पेपर्स हमेशा कवर करता था। मिनिमम 1 में मैं द हिंदू प्रेफर करता था क्योंकि जो न्यूज़पेपर एनालिसिस मैंने यूट्यूब पे देखी थी तो वो मोस्टली द हिंदू की होती थी, तो मेरे लिए उस पेपर का जो फॉर्मेट था वो काफी फेमिलियर हो गया था, तो बाय डिफॉल्ट मैंने उसको प्रेफर किया था। ऐसा नहीं है कि द हिंदू इज बेटर देन इंडियन एक्सप्रेस, बट मेरे लिए वो ज्यादा फेमिलियर हो गया था इसलिए मैंने उसको चूज किया। इसके बाद अगर द हिंदू 1-1.5 आवर में मैं कंप्लीट कर लेता था तो रिमेनिंग 30 मिनट्स 45 मिनट्स जितना भी होता था I used to take out for Indian Express. Indian Express में भी मैं बहुत selective reading करता था. I started with explained, then I moved to editorials. और उसके बाद भी अगर time बच गया तो मैं बस देख लेता था कि कौन सी न्यूज हिंदू में कवर्ड नहीं है, तो ये मेरी न्यूज पेपर को लेकर स्ट्रेटेजी थी। इसके अलावा डेली 1 आवर अगर आप मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशन को देते हो, जो मेरे केस में विजन का कंपाइलेशन था, इररिस्पेक्टिव विजन का है या किसी का है, आप किसी का भी कर सकते हो, इवन नेक्स्ट आईएस का भी कंपाइलेशन काफी अच्छा आता है, तो आप किसी को भी, आप जो भी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है बस स्टिक टू 1 पर्टिकुलर प्रेफरेंस, ठीक है, तो आप उसको पढ़ो, जो भी कंपाइलेशन है, 1 आवर अगर आप डेली डेडिकेट कर रहे हो करंट अफेयर्स को, दैट वुड बी मोर देन सफिशियंट। इसके साथ कई बार ऐसा होता है कि बहुत डाउन टाइम होता है, आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, आपको लगता है कि यार कब तक ये बुक बार बार पढ़ते रहें, क्या करें, तो उस टाइम पे मेरे लिए एक YouTube वीडियोस होती थी स्टडी IQ की या किसी और चैनल की, आप देखो तो वो छोटे छोटे 5-10 मिनट की वीडियोस होती थी जो करंट में क्या चीजें चल रही हैं उसकी पूरी ब्रीफ हिस्ट्री और उसकी एनालिसिस बताते थे, तो जब मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं वो वीडियोस प्ले करके एट द स्पीड ऑफ 2x मैं उसको सुनता था, तो जो 10 मिनट की वीडियो थी वो 5 मिनट हो जाती थी, ऐसे मैं आधे घंटे में कई सारी वीडियोस कवर कर लेता था, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की तरह एक्ट करता था, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता उससे, वो बस यूटिलाइज हो जाता है, तो आपको टेक्नोलॉजी को उस हिसाब से यूज करना है जहां पे आप उसका बेस्ट बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर पाओ। स्टडी IQ चैनल है जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप स्टडी IQ की वीडियोस देख लीजिए। इसके अलावा न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए एक अनअकैडमी के न्यूज़पेपर्स जो वीडियो आते हैं एनालिसिस वो अच्छे होते हैं, और एक मैं देखता था स्टडी लवर वीर करके है उसकी वीडियो देखता था, बट वो बहुत स्टडी लवर वीर वाली वीडियोस मैं बहुत इनिशियल टाइम में देखता था, जब एक प्रॉपर प्रिपरेशन फेज में आ गया था मैं, जब खुद से पेपर वगैरह पढ़ने लगा था, तो मैंने मोस्टली अगर कभी न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है तो मैं अनअकैडमी से स्टिक करता था या स्टडी IQ, ये 2 मेरे मेजर सोर्स होते थे। नोट्स की अगर बात आती है तो मैंने हर सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाए थे फॉर द वेरी सेम रीजन कि मेरे पास टाइम कॉन्स्टेंट था मेरी प्रिपरेशन को लेकर के, तो मैं हर चीज के नोट्स नहीं बना सकता था। मोस्टली मैं प्रिफर करता था कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं या मेरे सीनियर हैं उनके नोट्स, 90% ऑफ द नोट्स दैट आई यूज टू रेफर वर मेरे जो कॉलेज सीनियर थे अपूर सर, उनके नोट्स से, उनके बनाए हुए नोट्स से जिनको लेकर के मैं पढ़ता था, और मेरे कोई डाउट्स भी होते थे उसमें तो मैं उन्हीं से क्लैरिफाई कर लेता था क्योंकि वो मेरे साथ ही रहते थे 24 आवर्स, तो मेरे लिए बहुत ईजी एक्सेस थी अपने डाउट सॉल्विंग को लेकर के, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप नोट्स बनाओ, बिल्कुल बनाओ। स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत 2 ऐसी बुक्स हैं जिसके लिए मैं बोलूंगा कि अगर आप नोट्स नहीं बनाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप नोट्स बना लेते हो तो मोस्टली आप अपने नोट्स पे स्टिक करते हो, और वो दोनों बुक्स इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि आप 100% चीजें नोट्स में रेप्लिकेट कर ही नहीं सकते, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि उन 2-3 बुक्स जो हैं आप उनको उन्हीं के सोर्स से रीड करो, और बाकी सब्जेक्ट जैसे हैं, जैसे सोसाइटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, या फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स भी, आप उसके भी अगर आपको कुछ ऐसी चीज मिलती है जो आपको लगता है कि मंथली कंपाइलेशन में नहीं है बट आपके यूज की है, तो आप उसकी नोट मेकिंग कर सकते हो। बट अवॉइड
अवॉइड दी बुक्स सच एज स्पेक्ट्रम एंड लक्ष्मीकांत. तो देर आर ऑब्वियसली डूज एंड डोंट्स जो कि मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा. डूज पहले कवर करते हैं. उसमें जो भी मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको तो आपको करना ही करना है. फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटीज जो स्टैटिक बुक्स हैं वो, करंट अफेयर कंपाइलेशंस, तो ये सब चीजें तो आपको करना ही करना है. इसके अलावा आप किस टॉपिक पे कितना कमांड हासिल करना चाहते हो वो आपके ऊपर है. आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके कर सकते हो. डोंट जस्ट रियलाइज कि हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर का अगर हम ब्रेकिंग देखें तो सब 250 मार्क्स के ही हैं. पेपर वन में जहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, पेपर फोर में एथिक्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है. तो हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि हमें सब चीजें अच्छे से करनी है. जस्ट बिकॉज कि पेपर वन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं डज नॉट मीन कि हम पेपर वन को बहुत ज्यादा टाइम देते हैं जिसकी वजह से पेपर फोर हमारा निग्लेक्ट हो जाए. पेपर फोर इज वेरी स्कोरिंग. अगर आपने अच्छे से टाइम दे रखा है एंड यू नो हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, यू हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, यू हैव क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, पेपर फोर में आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं. मेरे केस में भी पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री के अगर मैं मार्क्स आपके साथ शेयर करूँ तो देवर एवरेज और एलसे बिलो एवरेज. पेपर वन में 84, पेपर टू में 90, पेपर थ्री में 80. बट इट वॉज इन पेपर फोर वेयर आई स्कोर्ड 116, जो कि मेरे जीएस के मार्क्स को काफी एवरेज आउट कर देता है. तो अगर मैंने 1, 2, 3 में एक्स्ट्रा एफर्ट किया होता, हो सकता है कि मेरे 5 मार्क्स पर पेपर एक्स्ट्रा होते, बट उसकी वजह से मेरे एथिक्स के जो मार्क्स है वो काफी नीचे आ सकते थे. तो इसलिए मैं बोलूंगा कि डोंट्स में कभी भी किसी एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सेसिव टाइम देकर के किसी दूसरे को निग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है. हैव एन एवरेज कमांड ओवर ऑल द टॉपिक्स. एंड अगर आप जीएस की स्ट्रेटेजी, अगर आप मेरी तरह नहीं हो जो ऑप्शनल पर रिलाई करता है, तो आपको अपने जीएस को बहुत ज्यादा ब्रश करना पड़ेगा. तो आप इन डेप्थ जितना जा सकते हो, लेकिन उसमें भी सारे पेपर्स में, ये नहीं कि आपने सिर्फ 1 या 2 में बहुत इन डेप्थ पढ़ा और 3 और 4 को सुपरफिशियली कर लिया, ऐसे नहीं. हर पेपर को जितना भी आप दे रहे हो इंपॉर्टेंस, सबको एक बराबर इंपॉर्टेंस देना है. एक चीज जो और मैं बोलूंगा, डूज, आपकी टाइमलाइन आपके लिए बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कब तक पढ़ना है और कितने दिन में पढ़ना है. ठीक है, आप ब्रीच नहीं कर सकते हो उस चीज को. मेरे केस में अगर मैं टीम के साथ शेयर करूंगा एक स्क्रीनशॉट जिसमें मैंने मेरी प्लानिंग है, वो प्लानिंग भी मेरी अपनी नहीं है. मेरे लिए वो प्लान भी मेरे जो कॉलेज सीनियर थे अपूर सर, उन्होंने बना करके मुझे नोट्स दिए थे. वो मेरे पास आज भी है. उसमें बहुत एक्सप्लिसिटली उन्होंने लिख रखा है कि इस सब्जेक्ट को इतना टाइम, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम, इतने दिन में इसको खत्म करो और इस तरीके से पढ़ो. तो वो स्ट्रैटेजी अगर मेरे पास मिसिंग होती तो शायद एग्जाम के एक महीने पहले जब मुझे रेलवे ने बुलाया था ज्वाइन करने के लिए, तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती. बट जस्ट बिकॉज कि मेरे पास वो टाइमलाइन थी कि मुझे दिसंबर में जाना है ज्वाइन करने और उसके पहले मेरे पास ये चीजें इतने इतने दिन में मुझे ऐसे ऐसे कवर करनी है, वो था. तो आई वॉज वेरी रिलीफ कि भाई ठीक है, अगर इसे इस तरीके से कर लेंगे तो सब चीज खत्म हो जाएगी. एंड बाय द टाइम आई विल गो टू ज्वाइन, आई विल बी इन अ सिचुएशन कि मैं बहुत कंफर्टेबली बोल सकता हूँ कि हाँ, मैंने पढ़ रखा है, मैं मेंस अटेम्प्ट कर सकता हूँ. तो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या चीज कैसे करना है. मंथली मैं बोलूंगा, इफ नॉट मंथली, एटलीस्ट फोर्टनाइटली आपका शेड्यूल पूरा प्रॉपर प्रिपेयर होना चाहिए, इंक्लूडिंग डेली प्लान्स. तो दैट विल हेल्प यू स्टे ऑन ट्रैक एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस. प्रीलिम्स, आप ये मैंने पहले भी बोला है कि प्रीलिम्स इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन. प्रीलिम्स इज अ टेस्ट कि आपने जो चीज पढ़ी है आप कितना काम और कंपोज होकर के उसको यूज कर सकते हो टू अराइव एट द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो आप जैसे बहुत सारे लोग पहली बार प्री में जा रहे होंगे, बहुत सारे लोग सेकेंड या थर्ड टाइम जा रहे होंगे, तो जो पहले प्री अटेम्प्ट कर चुके हैं उन्हें इस चीज का एक्सपीरियंस होगा कि कैसे प्री के पेपर को अटेम्प्ट करना है, कहाँ पे कमी रह जाती है, कहाँ पे नहीं रहती है. फॉर दोज हु आर अटेम्प्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड. इवन ये चीज हर किसी के लिए ट्रू है, जब भी आप पेपर में जा रहे हो, खासकर लोग जो परफॉर्मेंस प्रेशर में आते हैं पेपर में और पेपर खराब कर लेते हैं, जब भी आप पेपर में जा रहे हो ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड कि वो पेपर जितना फ्रेश आपके लिए उतना सबके लिए, जितना डिफिकल्ट आपके लिए उतना ही डिफिकल्ट सबके लिए. तो अगर आप वहां जाकर के पेपर की डिफिकल्टी लेवल देख करके ये जज करोगे कि यार शिट, इसमें तो मेरा नहीं होगा लेकिन बाकी लोग का हो जाएगा, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं. ठीक है, हो सकता है कि आप अगर काम और कंपोज होकर उस पेपर को अटेम्प्ट करो तो उस डिफिकल्ट पेपर में भी आपके बहुत अच्छे नंबर आए. प्रीलिम्स की जब मैं यहाँ पे घर पे टेस्ट सीरीज देता था तो मेरे एवरेज स्कोर 85 to 100 के बीच में होता था हर टेस्ट में ऑन एन एवरेज. बट जब मैं पेपर देने गया तो वहां पे वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट पेपर था टेस्ट सीरीज से.
और जब यहाँ पे मैं जब घर पे टेस्ट सीरीज देता था तो उस टेस्ट सीरीज में मैं एनालाइज करता था तो ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो मुझे श्योर शॉट आते थे, जिसमें मुझे पता होता था कि इसके आंसर यही है, और बाकी जिन पे मैं अराइव करता था गेस वर्क से या एनालाइज करके कि ये स्टेटमेंट गलत होगी ये स्टेटमेंट सही हो सकती है, वो काफी ज्यादा होते थे, 50-55 के आसपास होते थे वो क्वेश्चन। सेम चीज जब मैंने पेपर दिया 2020 वाले प्रीलिम्स के पेपर में गया, मैंने एक रीडिंग कंप्लीट करी, आई रियलाइज देयर वर ओनली 30 क्वेश्चंस जो मुझे श्योर शॉट आते थे। तो जब अगर इसको मैं अपने नॉर्मल टेस्ट से कंपेयर करूं, जब घर पे मैं पेपर देता था तो ऑलमोस्ट 85-90 मार्क्स का मुझे श्योर शॉट आता था, और तब मैं कहीं 100 तक पहुंच पाता था, गेस वर्क यूज करके मैं 10-15 एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आ पाता था और मैं 100 पहुंचता था। पेपर में जो 80 मुझे यहाँ पे श्योर शॉट आता था वो 60 हो चुका था, और जो जो 10-15 मैं यहाँ पे कवर करता था उसका मार्जिन मेरे पास यहाँ पे 40 मार्क्स का था। तो आई न्यू कि ये बहुत डिफरेंट हो चुकी है सिचुएशन टेस्ट पेपर से, और यहाँ पे हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन ना हो, ठीक है, बट आई न्यू कि दो चीजें हैं, एक अगर मैं पैनिक कर गया तो मेरा सिलेक्शन डेफिनेटली नहीं होगा, दूसरा अगर मैं प्रेशर में आके मैंने कम अटेम्प्ट किया तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे 60-70 मार्क्स अगर श्योर शॉट आता है और मुझे 30 मार्क्स का गैम्बल करना है एनालाइज करके, इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेकर के उसको कलेक्ट करना है, अगर मैंने ये चीज सही से नहीं करी तो गेम इज ओवर। फिर उसके बाद मेंस क्या होगा, ऑप्शनल क्या होगा, इंटरव्यू, वो सब गया। तो मैंने उस टाइम पे बहुत काम और कंपोज होकर के उस पेपर को अटेम्प्ट किया, एकदम प्रॉपर एनालिसिस के साथ किया। इवेंचुअली जो यूपीएससी की मार्कशीट है उसमें मेरे 102 मार्क्स थे। इस बार थोड़े से वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की से कंपेयर किया जाए तो काफी कम थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की से अगर मेरे मार्क्स को कंपेयर किया जाए तो वो अराउंड 120 थे, जो कि रिड्यूस होकर 102 आ गए। स्टिल अगर आप देखो कि सिर्फ यूपीएससी के आंसर शीट से देखो तो मैं 70 से 102 का जो स्कोर था वो 30-32 मार्क्स एक्स्ट्रा कवर कर पाया, जो कि मैं घर के टेस्ट पे नहीं कर पाता था, जस्ट फॉर वन रीजन कि मुझे पता था कि मुझे बहुत काम होकर के ये पेपर अटेम्प्ट करने की जरूरत है, और पैनिक कर लिया तो वैसे भी खत्म हो गया पेपर। तो ये चीज एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको हमेशा दिमाग में रखना है, पेपर के टाइम पे कभी भी पैनिक नहीं करना है, और जो चीज पढ़ी है उसको बहुत आराम से सुकून से पेपर देख करके टाइम टाइम लेकर के फिर अटेम्प्ट करना है, तो आप डेफिनेटली अच्छा पेपर अटेम्प्ट करोगे।